आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। विराट, तेरा काम मैंने और आसान कर दिया। चंडीगढ़ में एक एडवोकेट से बात की है, तेरे डिवोर्स के पेपर्स ना भी फैक्स से भेज रहा है। एक खुशखबरी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी दी? चंडीगढ़ में ना एक बहुत ही मशहूर लॉयर से तेरे डिवोर्स की बात की है। और वो आज शाम 7 बजे आ रहा है तेरे डिवोर्स पेपर्स लेकर। आओ भैया, मैं बताती हूँ कहाँ रखना है। आपने गलत जगह रखा था, अच्छे से रखना, सुंदर तरीके से। दी दी, मुझे बताओ ना, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे जो है ना ये लाल पगड़ी पसंद है और स्वीटी को पिंक पगड़ी। लाल पगड़ी इसलिए क्योंकि इसमें एक रॉयल फील आता है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं स्वीटी की पसंद की पगड़ी पहनूं या अपनी पसंद की। आप बताओ ना। दी, क्या ये हूं कर रहे हो? बूढ़ी आत्मा की तरह गर्दन हिला रहे हो। बताओ ना कौन सी पहनूं, रेड की पिंक? टप्पू, तुझे पगड़ी के लिए एडवाइस चाहिए ना? हाँ। फिर चीजू वो तुझे इतनी अच्छी एडवाइस देंगे ना, मेरे से भी बेहतर। जा जल्दी, तोड़ के जा उनसे पूछ। चल मेरे साथ, चल। आप ना बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बात कर लूंगा उनसे। बीजी, आपने शिविका भाभी से बात की? वो क्या है, उन्होंने एक नई साड़ी खरीदी है, उसी की मैचिंग उनको ज्वेलरी पहननी है। शॉप से ऑल्टर शर्मा आई थी, बात करी ना? ले, उससे शर्माने की क्या बात है, मैं पूछ लेती हूँ। प्लीज प्लीज जब हाँ, मैं मिल के आता हूँ। का बेटा पीछे से शर्मा रही है, क्या चाहिए तुझे? गहने चाहिए? अरे झिझकने की क्या बात है, बोलना। ये क्या हो रहा है मांगी? भाई और भाभी मेरी बातों को सीरियस ले रहे हैं? हाँ विराट, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो हम दोनों को मिलने भी नहीं दे रहे, तो सच में हमारा डिवोर्स करा के रहेंगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं सच में, तुम मेरे एक लौते पति। अरे तुम मेरे पास कौन सी 100-100 बीवी है? तुम में मेरी एक लौती बीवी हो, कहां से लाऊंगा दूसरी बीवी? तो दूसरी बीवी चाहिए? विराट विराट, अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा भी ना। विराट, तू अपनी एक्स वाइफ नहीं होने वाली एक्सेल के साथ क्या कर रहा है? मानवी, मैंने तुझसे कहा था ना विराट से दूर रहना, और तू उसके साथ एक कमरे में क्या कर रही? ये मजाक नहीं चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है। और मैं जानती हूँ कुछ लोग कोशिश जरूर कर रहे होंगे तुझे बहलाने फुसलाने की, लेकिन तू मत फिसलना। मैं जानता हूँ इस मानवी को प्यारी प्यारी बातें करके तुझे बहला रही होगी, है ना? मेरी बहन को आपके भाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कुछ कोशिश नहीं करेगी? अरे तो मेरा भाई कौन सा मारा जा रहा है? विराट, जो बात तूने ठान ली ना डटे रहे, ठीक है? सुन तो सही, अगर अभी चेंज कर लिया ना अपना डिसीजन, तो जिंदगी भर तेरी जिंदगी चेंज नहीं होगी। मानवी, पहली बार तूने लाइफ में सही फैसला किया, सोच मत और दूसरों के बहकावे में मत आ। अरे विराट, एक पल के पैचअप से क्या होता है, जो ठान लिया ना बस अब तू उस पर डटे ही रहे। मानवी, तलाक से तुझे अपनी खोई हुई खुशी वापस मिलेगी, तू फिर से अच्छे से जी पाएगी, आजाद होके। अरे इतना खुश नसीब है तू विराट, सब लोग नहीं होते। मैं तो बस रुका हूं कि डब्बू की शादी खत्म हो और यहां तेरी शादी का दी एंड, डिवोर्स, तलाक। देखिए भाई, आप गलत समझ रहे हैं। विराट देख, तू समझ, मैं तेरा भाई हूं, मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूं यार, सब समझता हूं मैं। आखिर बहन हूं मैं तेरी, खून का रिश्ता है हमारा, मुझसे ज्यादा तेरी भलाई के बारे में कौन सोच सकता है? अब तो भलाई इसी में विराट, कि डिवोर्स होने दे और तब तक
तू इस विराट से नहीं मिलेगी। अब तो मुलाकात सीधा अदालत में होगी। सो गुड बाय, बैड बाय एंड सैड बाय। तू क्या देख रहा, चल। तेरा काम मैंने और आसान कर दिया। चंडीगढ़ में एक एडवोकेट से बात की है, तेरे डिवोर्स के पेपर्स ना भी फैक्स से भेज रहा है। चल मेरे साथ। अरे दी पर बैठ। क्या हो गया? तेरी दी के होते हुए तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तलाक के बाद मैं तुझे एक भी दिन घर पे कुवारी नहीं बिठाने वाली। एक से बढ़कर एक लड़कों की लिस्ट है मेरे पास। दीप मुझे नहीं दे। ये देख, सिकंदर से कंस्ट्रक्शन बिजनेस है इसका, मतलब घर की तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ये क्या कर रही हो दी? मैचिंग मैचिंग। ये सब देख के मेरे दिमाग की दही हो रही है दी। आय होता है, ऐसे ही होता है। अपने होने वाले मिस्टर की फोटो देखकर ना दिमाग का दही हो जाता है। लेकिन तू फिक्र मत कर, अगर इनमें से कोई पसंद नहीं आया ना तो मैंने 100-200 की और लिस्ट मंगाई है, कल सुबह तक फुल बायोडेटा के साथ पहुंच जाएगी। और A4 साइज फोटोग्राफ। और अगर A4 साइज फोटोग्राफ समझ में नहीं आया ना तो उसे एनलार्ज भी कर सकते हैं, ताकि तू ऊपर से नीचे तक उसे देखे और गौर से तू सिलेक्ट कर। लेकिन इस बार तुझे ही चुनना होगा। ठीक तो क्यों भाई? अरे चल तो सही, बैठ ले। अबे लालटेन लेके ढूंढ के ना इन्हें शॉर्टलिस्ट किया। देख ये क्या भाई? देख क्यों सही, क्या आपने अपने नाम के शेयर्स मेरे नाम पे कर दिए? वैसे भी आपके जैसे दिलदार भाई होता कहाँ है आजकल? ये क्या भाई, लड़की की तस्वीर? अरे बड़ी ऑब्वियस सी बात है, देख रहा तुझे, लड़कियों की तस्वीर है तो लड़कियों की तस्वीर है ना। अबे मेरे भाई, एक से बढ़कर एक मिस इंडियाज हैं, और कोई भी स्मॉल टाउन से नहीं है। एक काम कर, तू सिलेक्ट कर, ये चट तेरा डिवोर्स हुआ और पट तेरी दूसरी शादी। अरे लेकिन मैं शादी करूंगा क्यों? एक बात बता, डिवोर्स के बाद क्या करेगा? देवटी की तरह हाथ में बोतल लिए पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक बजाए थोड़ी घूमेगा? तू घबरा मत यार, एक शादी सक्सेसफुल नहीं हुई तो क्या हुआ? सेकंड टाइम लकी। अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो बेटा, और क्या फोटो शोटो देखी जा रही है? दिखाओ दिखाओ। अरे दिखने दो यार, क्या हो रहा है विराट, किसकी शादी कराई जा रही है? वो कहीं ऐसा तो नहीं कि टब्बू की शादी होते देख तुम्हें दोबारा शादी करने का मन कर रहा है? चलो अच्छा, अब इन दोनों को पता तो चला कि तलाक जैसी चीज का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। इन दोनों की तो ऐसी हालत होगी कि आ बैल मुझे मार। लेकिन सच कहो वीरेन जी, उनकी हालत देखकर ना बहुत बुरा लग रहा है। कितने टेंशन में होंगे ना दोनों। अच्छा ना जी, थोड़ी बहुत टेंशन तो होनी चाहिए। अरे थोड़ी दूरियां होंगी, थोड़ी सी टेंशन होगी, तभी इन दोनों की अकल ठिकाने आएगी। वैसे एक बात कहो, उन दोनों के चक्कर में ना हमारी क्लास लग गई। अरे हमारे बीच में अभी दूरियां खत्म हो गई, सारी गलत फहमियां खत्म हो गई, लेकिन तुमसे दूर रहने की एक्टिंग करनी पड़ रही है। इनफैक्ट मैं तो सोचता हूं कि अब जब मौका है तो इन दूरियों को मिठाई देते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जीविका, वो रस्मों की थाली कहाँ है? शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे चाची, मुहूर्त तो निकल जाएगा, लेकिन हमारा मुहूर्त क्यों खराब कर रहे हो यार? रेन जी, अगर आप दूसरों को इतना तड़ पाएंगे तो खुद भी तो थोड़ा तड़ पेंगे ना। आप अकेले अकेले आए भरिए, मैं तो चली। चाहिए बहुत सुंदर लग रही है आज। ऐसा लग रहा है कि आसमान से खजूर टपक गया, पूरी टपक गई। बस एक चीज की कमी है।
घबराओ मत मांग, तुम्हारे मांग में सिर्फ मेरे नाम का ही सिंदूर लगेगा। मैंने लाइफ टाइम के लिए रजिस्टर करवा ली। और रही बात भाई और भाभी की, ये जो भी सोच रहे हमारे बारे में, मैं इनके डाउट्स क्लियर कर दूंगा आज। मुझे भी अब बर्दाश्त नहीं है विराट, मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। मानवी, विराट मुझे जाना होगा, दी ने देख लिया तो। विराट, विराट यार तू यहाँ पर है, मैं तुझे हर जगह ढूंढ रहा हूँ, तू माननी कमरे में क्या कर रहा है? अब कुछ नहीं, बस भी कुछ काम था। क्या हुआ दी? मनु बहुत इंपॉर्टेंट बात है, साइड में आ जा। हाँ बताइए, कुछ बात है, कुछ बताना आपको? बताती हूँ, एक खुशखबरी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी दी? चंडीगढ़ में ना एक बहुत ही मशहूर लॉयर से तेरे डिवोर्स की बात की, और वो आज शाम 7 बजे आ रहा है तेरे डिवोर्स पेपर्स लेकर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।